हेलो दोस्तों, ये वंदना पता नहीं कौन सा रूप धारण किया है वंदना ने, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ये देखिए वंदना क्या बनी है आप। मैं डांस कर रही हूँ, राधा बनी हूँ, ऐसी छोटी मोटी जल्दी जल्दी तैयार हो गई। अच्छे से तैयार होती तो और भी अच्छे से मेकअप मेकअप गेटअप लेती, पर जल्दी जल्दी हो गई तैयार। राधा हाँ, डांस की वीडियो बनाने आ राधा गई। के राधा डांस में कैसे डांस कर रही हूँ बताइए। मैं कर के यूट्यूब पे देखना हो तो फिर भी तो बता दो था ना। यूट्यूब पे देखना गाइस, सभी लोग यूट्यूब पे नहीं पे देख पाते ऐसे ही बता दो ना। यूट्यूब पर देखना सभी लोग। अच्छा, और इधर कर रही है सोनम एडिटिंग, सोनम का काम चल रहा है, कुछ बोल रही हो। और ये कैमरा मैन पता नहीं कहाँ चले, अब कैमरा लेकर कहाँ चले, ससुरार सूटकेस लेके डांस की वीडियो बनाने। अच्छा, डांस की वीडियो बनाने। और इधर अनिकेत बैठे हैं, कितने बिजी रहते हैं ये देख भी नहीं पाते। बस इतनी ही बात आती है, स्माइल कर रहा है और कुछ भी नहीं, और बिजी है अपने काम में। तो कब आनी है, कब आते हैं अब। ये डांस कर डांसर, ये डांस आ रहे हैं, डांस विद वंदना। फिर मुझे तैयार होने में पता है आधे घंटे से ज्यादा लग गया। हाँ, एक घंटा लग गया पूरा, एक घंटा। और तो और एक बार चोटी बनी, फिर दोबारा चोटी बनी, फिर भी मैं अच्छे से तैयार नहीं हुई जल्दी जल्दी। मैंने कि जरा से देर के लिए डांस कर रही थी, इतने अच्छे लग रहा मैं। अच्छा, पर अच्छी लग रही है जो भी हो सो। और क्या, और मैं ऊपर जा रही हूँ, देखती हूँ ऊपर क्या हो रहा है वंदना का। और इधर लगा लिया है मैंने मीठा नीम, ये लग चुका है हमारा मीठा नीम, और ये लगा हुआ है पहले से ही। और ऊपर देखते हैं क्या हो रहा है। और ये हमारी दार पूरी गीली हो गई थी, मैं नहीं थी रक्षाबंधन पर, अपने मायके गई थी तब, ये सारा सामान गीला हो गया। और इधर भी ये प्याज गीली हो गई, और ये वंदना का पता नहीं क्या हो रहा है। खिड़की में से कितना अच्छा लगता है बाहर का नज़ारा, इधर पानी बह रहा है और इधर हरियाली है सारे में, और इधर बाजार है, सब कुछ अच्छा लगता है बाहर का नज़ारा। और मैं दिखाती हूँ कल मैंने शॉपिंग में क्या क्या ख़रीदा, और मैं देखो बताती हूँ आपको। ये मैं लेकर आई हूँ, ये लाई हूँ मैं लाल मिर्च लेकर आई हूँ, और ये चिप्स लेकर आई थी मैं, और ये नहाने के साबुन भी लेकर आई मैं, और ये कपड़े धोने के, और ये रिन साबुन कपड़े धोने के लेकर आई, और ये नहाने वाले हैं जो वंदना लगाती है, साबुन गोविंद साबुन वो वंदना के पापा यूज करते हैं। और ये मैं शैम्पू लेकर आई, और इसमें मैगी है शायद, ये सामान मैं लेकर आई थी, और ये टोस्ट की पैकेट है ये भी मैं लेकर आई थी, जो बहुत अच्छी लगती है सबको चाय के साथ। और ये बताती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई थी, और बिस्कुट का पैकेट भी लाई थी वो नहीं देखा, और आज और कल मैं ये भी लाई थी शॉपिंग में, ऐसा आता हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। भगवानी तो हमारे पास बहुत सारी है बहुत ज़्यादा, पर ऐसा आता बिल्कुल भी नहीं था, तो मैं ये अत्तर लेकर आई। और भी दिखाती हूँ मैं क्या लेकर आई और शॉपिंग में। और ये मैं गैस का चूल्हा लेकर आई हूँ मैं, ये वाला बजाज कंपनी का है, ये लेकर आई मैं, ये दिखाती हूँ मैं। ये देखिए पुराना तो था मगर वो अच्छा नहीं लग रहा था, मंदा मंदा जाता था, मैं दूसरा गैस चूल्हा लेकर आई हूँ मैं, ये है 2000 का है ये गैस हमारा। और भी बताती हूँ मैं और भी क्या लेकर आई हूँ मैं, चलिए देखिए। और ये और मैं लेकर आई हूँ बेड शीट, सिंगल बेड के लिए, रानी के लिए ये बेड शीट है। और इधर सूटकेस लेकर आई हूँ मैं, ये वाला बैग तो बहुत है हमारे पास, वैसे नया नहीं था, और ये अच्छा वाला लेकर आई है मैं, रानी के लिए लेकर आई हूँ मैं। और भी बहुत सारा सामान था, तो वंदना ने सोनम ने अपनी अपनी जगह शिफ्ट कर दिया है, तो मैं उसको नहीं बता पाती। सो और भी सामान है हमारे यहाँ, ये जा चुकी है वंदना, शूटिंग कंप्लीट हो चुकी, पैरों में पड़ गए हैं छाले। अच्छा हुआ, हेयर और ऋषि का और वंदना का पता नहीं किसका रोल कर रही हैं, और ये राजेंद्र हैं पता नहीं कहाँ से आए हैं। और मैं एक चीज़ दिखाने जा रही हूँ जो राकेश लेकर आया है पता नहीं कहाँ से, ये देखिए ये भुट्टा लेकर आया है, कुछ भी बड़े बड़े भुट्टे हैं और उसमें भी रखे हुए हैं, और ये केला लेकर आए हैं, बोल रहे हैं सब फ्री का है, पता नहीं कहाँ से लाए दोस्त, कहाँ से लाए कहाँ से लाए। और ये देखो ऋषि का जमा रही है सो सो करके सामान, वंदना हो चुकी है पूरी वीडियो, और अब वे वंदना चेंज हो रहे हैं कपड़ा वंदना के। वंदना की वीडियो बन चुकी सर, यस अब कपड़े चेंज कराओगी, यस
अच्छा yes. देखो ये बंदना बगैर चश्मा के कैसे लगती है, बिल्कुल अजीब गरीब सी। आज मैं आई हूँ नीचे दिखाने के लिए कि आज चल रही है इधर शूटिंग, पता नहीं कहाँ पर चल रही है। हाँ इधर चल रही है, और इधर चल रही है शूटिंग। डॉक्टर करने जाए तो अगर आज अच्छा नहीं होता तो। और ये चल रही है शूटिंग यहाँ पर। अनिकेत कहाँ पे हैं? अनिकेत नए कलाकार चलेगा है तब यार। देखिए दोस्तों, इन्होंने कितनी राखी बनवा रखी थी हाथ में, मैंने इतनी सारी निकाल दी है ये, और इतने मोती निकाल लिए मैंने, और फिर भी और राखी निकालवा रहे हैं। ये बोल रहे हैं और निकाल लो, ज्यादा राखी करके क्या करेंगे, रखे हाथ में घुस रही है। बस ये तो बंद ही रहने दो, थोड़ी सी इतनी तो अच्छी लगती है ना हाथ में, थोड़ी सी जन्माष्टमी तक रहने दो। हाथ भर गया था इतना, हाँ इतना पूरा हाथ भर गया था, नहाते करते हैं हाथ गलता है, इसलिए राखी निकाल दो, गीला हो जाता है। राखी मैंने निकलवा दी गीले के। देखो मैंने इतने सारे मोती भी निकाल लिए, कितने अच्छे मोती है, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं ये, प्यारे प्यारे से इतने मोती निकाल लिए मैं, अभी और भी निकाल रही हूँ ऐसे मोती। जी बंदना की मम्मी नहीं मानी, जब बंदना की मम्मी नहीं मानी, इन्हें सारी राखी निकालना है कि तुमने निकालो हाथ गीले हो रहे हैं। मैं नहा के आया था अभी, इन्हें कि तुम्हारा हाथ गीले हो रहे हैं, राखी निकालती हूँ। इन्हें बढ़ा के पूरी राखी निकाल रही मेरे हाथ में, चार पांच राखी थे बचन नहीं, नहीं मेरा हाथ झांस है यहाँ तक पूरा भर गया था। 20 राखी बंधी हुई थी, 20 राजेंद्र के, 20 राकेश के और 20 इनके। राकेश की, राजेंद्र की, मेरी तीन है, बेटर की निकाल दी राखी, थोड़ी थोड़ी राख देंगे चार चार पाँच पाँच। हेलो गाइस, आज हम खाने में बनाने जा रहे हैं। ये इतनी सारी रोटी बच चुकी है, सुबह की 10 रोटी बची हुई थी, तो अब इनके बना रहे हैं हम रोटी के पोहा। ये काट लिया है हरी मिर्ची, आलू और इसमें प्याज काट लिया है, और इधर सब्जी में बन चुका है ये। ये क्या सब्जी है? हाँ ये गोभी बना ली है हमने, ये गोभी की सब्जी है, गोभी की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। और ये भुट्टा रखे हुए हैं हमारे। और गाइस देखिए, ये सोनम वीडियो बना रही है, आज कितने बुरे दिन आ चुके हैं, ये बुटियाँ छील रही हैं। दोस्तों ये बुटियाँ छीलना कोई बुरे दिन वाली बात नहीं है, अच्छे दिन काम है, ये भी सब करना पड़ता है, इंसान का जीवन है, तो बुटियाँ छीलो और रोटी बनाओ, सब भगवान करे सासरे में जाके मतलब कोई भुट्टा छीलो। मिलेगा तो करेंगे, सब करेंगे, और क्या। और क्या, देखो ये बुटियाँ छिल रही हैं आज हमारी, और आज से आज बनाएंगी चूल्हे पर रोटी। चूल्हे पर रोटी बनाना आता है? आता है ना, आता है। तो आज देखेंगे, दोस्त बोलते हैं भाभी को क्यों नहीं लाते वीडियो में दीदी आप, तो आज चूल्हे पर रोटी बनाएंगे और बुटियाँ भी सेकेंगी ये सोनम की भाभी। गाय देखिए, हमारे सारे भुट्टे छिल चुके हैं, ये इनको गाय को डाल देंगे, और ये हमारे लहसुन प्याज भी सूख चुके हैं, बहुत गीले हो चुके थे, अब जरूर बहुत अच्छे होगा एकदम खिले खिले से। और ये भुटियाँ छुल चुकी हैं हमारी, और इधर ये रोटी बनना चालू हो गया है, और ये देखिए इधर हो गया है खाना चालू, ये बन चुके हैं रोटी के पोहा, और इधर सब्जी, और ये खाने लगे हैं सबसे पहले, और इधर रोटी के पोहे भी बन गए हैं, इधर हमारे देखियो, और ये इधर हमारे भुट्टा भी सीख चुके हैं। ये किस किस को अच्छे लगते हैं ये भुट्टा, तुम्हें कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो गालो गरम गरम ले खाएंगे। और ये हमारे भुट्टा भी सीख चुके हैं, सीख चुके हैं, पता नहीं गलत हो गई कि सही सीख चुके हैं। और खाना हो चुका है चालू सोनम के पापा जी का, ये रहा खाना। खाना कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा लगा। और इधर भी और अंदर भी चल रहा है खाना सबका, देखते ही गेट लगा करते हूँ खा रहे हैं। ये देखो खाना चल रहा है सोनम, खाना खा लिया चाची जी? खाना कैसा लगा खाना सोनम? एक नंबर लगा खाना, बहुत टेस्टी लगा। खाना कैसा लगा? ऐसा लगा ऐसा, और ये बना रही हूं मम्मी, ये तो रेडी नहीं है, सब दो से बयान नहीं कर सकते। अच्छा चलो ठीक है। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? सब भले चंगे होंगे। और आज है जन्माष्टमी, और घर में सारे घर में देखो ये साफ सफाई हो चुकी है, झाड़ू पोछा लगा लिया है सोनम की भाभी ने, ऐसा कोई सा रूम नहीं रहा जिसमें झाड़ू पोछा नहीं लगा, और ये सब में झाड़ू पोछा लग चुका है सब में, और सब नाच चुके हैं। और मैं बताने जा रही हूँ आज हमारे घर में क्या पधारे हैं,